बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे कीवी और कीवी एमडी। तो सबसे पहले मैं आपको कीवी और कीवी एमडी का ओवरव्यू बता देता हूँ। कीवी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है पैथन में, और इसकी बेस पे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो हम डेस्कटॉप के लिए भी, एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ओवरव्यू हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कीवी और कीवी एमडी को इंस्टॉल करेंगे अपने इंटरप्रेटर में। तो इसके लिए आपके पास पाईचार्म इंस्टॉल होना चाहिए, विजिट स्टूडियो कोड एडिटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप पाईचार्म ही यूज़ करें, क्योंकि पाईचार्म एक प्रोफेशनल IDE है, बेस्ट IDE है पैथन के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपने क्या करना है। अगर आपके पास पाईचार्म ओपन है तो उसमें कोई फोल्डर आपने अगर क्रिएट किया हुआ है, प्रोग्राम प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ पर आपने जाना है। सिंपली आपने यहाँ पर फाइल पे जाना है। टू वेज है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा कि कैसे आप इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, उसके बाद आपने सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपने, जैसे ये थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये देखें आपके सामने सेटिंग्स ओपन हो गई। तो अगर ये देखें प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का नाम है वहाँ पर आपने क्लिक करना, और जो पैथन इंटरप्रेटर है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने प्लस बटन पे, ये देखें इंस्टॉल ऑल्ट प्लस इंसर्ट। अब मैं इसको क्लिक नहीं करता बटन पे, मैं ऑल्ट प्लस इंसर्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके सामने ये ओपन हो जाएगी, ये वाली विंडो। तो यहाँ पर आपने सिंपली टाइप करना है कीवी। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये आपके सामने कीवी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वर्जन आपने चूज करनी है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कीवी की स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने कीवी भी इंस्टॉल करनी है, जो जो पैकेज रिक्वायर्ड है। कीवी हो गई, और उसके बाद दो तीन पैकेजेस और हैं, जैसे ये हो गया कीवी डॉट डीप सेंगल, कीवी डॉट एटोमेट, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो गया कीवी डॉट डीप सेंगल, ये भी आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद कीवी डॉट डिप्स लियो, और कीवी डीप सेंगल डिप्स डॉट जी स्ट्रीमर, ये सब पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं किसके लिए, कीवी पे काम करने के लिए। ये देखें कीवी ऑटोमेट मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद कीवी डिप सेंगल भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक पैकेज है कीवी एमडी। अब कीवी, ये कीवी एमडी को भी आप इंस्टॉल करें, हम कीवी पे भी काम करेंगे और कीवी एमडी पे भी। तो सबसे पहले आपने जाना है कीवी, यहाँ पर आपने टाइप करना है कीवी एमडी। ये देखिए कीवी डिप सेंगल, जो भी पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुली अगर इंस्टॉल होंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज सक्सेसफुली रिसीव होगा। तो अगर वो पैकेज इंस्टॉल नहीं होते तो एरर मैसेज देगा आपको। तो यहाँ पर आपने सिंपली टाइप करना है कीवी एमडी, और जैसे ही आपके सामने कीवी एमडी आए आपने इसको इंस्टॉल पैकेज पर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने कीवी एमडी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो ये देखें अभी मैंने इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे इंस्टॉल हो जाए तो मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना। तो बस ये सिंपल स्टेप्स थे जिनमें मैंने आपको बताना था कि आपने कीवी की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह कीवी और कीवी एमडी सीरीज पे हम कंप्लीट काम करेंगे, और मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप अपनी एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, GUI कैसे बनाते हैं, बटन वगैरह हो गए, जो कुछ भी फीचर्स हैं कीवी और कीवी एमडी में, वो इंशाल्लाह आने वाली सीरीज़ में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।